जैन साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं भोजपुरी में या भोजपुरी से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन आज बिहार की एक और भाषा मैथिली और वहाँ फेमस मधुबनी पेंटिंग की बात करूँगा। आज मेरे साथ मेरे मित्र हर्ष भी जुड़ेंगे, जो कि मिथिला क्षेत्र से हैं, जिनके कहने पे ही आज का सब्जेक्ट मधुबनी पेंटिंग मैं चूज किया हूँ। मैं हर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं मधुबनी पेंटिंग के इतिहास पे। इतिहास के अनुसार मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति लगभग 2500 साल पहले मिथिला क्षेत्र से हुई थी, जो कि आजकल बिहार और नेपाल का पार्ट है। मिथिला के बारे में आपने रामायण में पढ़ा होगा, राजा जनक का राज्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में जब भगवान राम और माता जानकी की शादी हुई थी, तो राजा जनक ने कलाकारों से जनकपुरी को बढ़िया से सजाने को कहा था, और कलाकारों ने पूरे शहर की दीवारों पे राम सीता के स्वयंवर की कहानियां उतार दी थी। इसलिए मधुबनी कलाकारों के बीच राम सीता विवाह का विषय बेहद लोकप्रिय है। आज के समय में किसी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कैद करना और उसे सालों तक याद रखना बहुत आसान है, लेकिन उस जमाने में ऐसा बहुत कम होता था। इन पेंटिंग्स की मदद से खास पलों को रिकॉर्ड करने का एकमात्र तरीका हुआ करता था। तो ये रहा मधुबनी पेंटिंग का इतिहास। तो हमारे साथ हर्ष भाई जुड़ गए हैं। हर्ष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा मैथिली में बोलें, लेकिन कुछ गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि हैं तो हम मैथिल, लेकिन हमारा जन्म हुआ हिलसा में। हिलसा पटना से 60-65 किलोमीटर दूर होता है, इधर बिहार शरीफ के डायरेक्शन में आता है, नालंदा ज़िले में पड़ता है। लेकिन हमारा परिवार मैथिल है, तो हमारे घर में तो मैथिल बोली जाती थी, बट चूँकि हम पले बढ़े लोकली हिलसा में, तो वहाँ की मगही भी थोड़ी सी हम पे छा गई, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आके मुझे क्यों लगा कि मैं इसके बारे में बोलूं? तो हमरा एहन लगले कि बहुत दिन से कुछ मैथिल भाषा के लिए में कंट्रीब्यूट नहीं करल गेल हन हमर तरफ से, तो तनी कंट्रीब्यूट करे के चाही। तो एहन भेले कि हम एगो वेबसाइट एना ही कुछ करते करते इंटरनेट पे हमरा पता चलल कि बिहार सरकार के एगो इनिशिएटिव छै, BRLPS कहल जाइ छै ओकरा, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ओकर एगो इनिशिएटिव छै जीविका। तो ओकरा तहत भेले कि बिहार सरकार सोचलकै कि हमर बिहार के जे गरीब औरत सब छै ओकरा उत्थान करैके चाही, तो मधुबनी पेंटिंग जे औरत सब बनबै छै ओकरो प्रमोट करैके एगो रहै बिहार सरकार के कि प्रमोट करल जाए, काहे कि उ कला जे छै उ लुप्त होय रहल छै, ओकरा करै वाला अब उतना लोग नै, लोग जे करबो करै छै ओकर जीविका के साधन नै, तऽ ई रहै ओकर। और जे बनावट दी बात, तो ओकर कहीं मतलब के सेल लिखे का पावत के लेबे वाला नहीं के, सही ओकर प्रचार प्रसार हुई तो लोग के और मोटिवेशन मिली, सही और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनी ओकर। अब जेना शैलेंद्र भाई बतेलखुन बतेलखिन अहाँ सबके कि मिथिला पेंटिंग के कहानी जनकपुर से शुरू होल छै राम सीता के टाइम से। तब राम सीता के टाइम, अब बहुत सन ऐसन मैथिली गीत छै जेकरा में राम सीता के जिक्र बहुत बढ़िया से कैल गेल। जेना एगो गाना छै बड़ा फेमस, तो हम ओकर चार लाइन सुनेबे अहाँ के। गगन मगन अजु मगन धरतिया, गगन मगन अजु मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया,
चाड़ो दुल्हा में बर का कमाल सखिया। अब राम जी रहते हैं चार गो भाई, तब जब धनुष तोड़े वाला भेल रहे तो चारों भाई गेलखिन रहे तो उनका स्वागत में सब करल गेले रहे, तो चारों भाई के बढ़िया से अब कहल जा रहा है गाना में कि राम जी सबसे महान छथिन चारों भाई में उनकर शादी के। गाना तो हम कई बार सुन ले भी हैं, गीत बेसिकली अपने पूरा भोजपुरी और मिथिला क्षेत्र में बहुत फेमस हो गई, लेकिन अब हम जानना चाहें कि मधुबनी पेंटिंग के स्पेशलिटी का। तब स्पेशलिटी के का कहल जाए एकरा में की कहूँ अहाँ के, अब जेना पहने तो बने रहे ये एकदम नेचुरल कलर से, जेना कहल जाए कि अपराजिता के फूल होइ छै ना ब्लू ब्लू रंग के, ओकरा पीस के ब्लू रंग निकाले रहथिन लोग, सब तरह के रंग नेचुरल चीज से निकाले रहथिन, नेचुरल लोग करे रहथिन कलाकारी, जेना बांस के कुच्ची से चाहे माचिस के तीली से, पहले तो उतना ब्रश व्रश नहीं रहे तो उ सब से करे रहथिन, अब जाके ब्रश व्रश अलै पेंट आर अलै तब ई सब तरह, लेकिन उ ओरिजिनल आर्ट फॉर्म जे कहबे अहाँ उ अभी भी ओना ही प्रिजर्व कैल गेले हन। मधुबनी पेंटिंग को लोग विदेशों में भी जानते हैं, सही बात, धीरे धीरे कैसे फेमस हुआ है? अंग्रेज काल में सबसे पहले की भले एक बेर हुआ पर भूकंप पहले, भूकंप पहले बड़ा भयानक 1934 के बाद छे, ओकर बाद एगो अंग्रेज रहे हुआ के देखरेख करे वाला जी आर्चर नाम के, उ वहां पर गेले उ सबके जाय जाय दिए ले भूकंप पर के जाय जाय दिए ले, तो देखल के कि अरे सब घर के अंदर में दीवार में इस सब की क्या बना हुआ है भाई, अंदर एकदम बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना हुआ है, तो उ फिर एकर बारे में अपन किताब में लिखल के, जब ओकर किताब फिर देश विदेश में गेल है तो फिर लोग जानल के कि भाई ठीक ये रीजन में ही होता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग में कहबे कि हम पांच तरह के स्टाइल होइ छे, भरनी, कच्ची, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। कोहबर सबसे ज्यादा प्रचलित होलै जे क्योंकि ओकरा में शादी रिलेटेड बात रहे, तो जना हमरा के ब्याह में होए रहे कि जब ब्याह के लोग आवे छे तो वो घर कहल जाए छे कि कोहबर घर छे, ओकरा में माय बहिन सब जाए के एगो बढ़िया दीवाल पर बने थुन कोहबर के पेंटिंग कहल जाए छे ओकरा। तो बेसिकली वो का ओरिजिन मिथिला पेंटिंग से ही है। जरूर जरूर, कोहबर भी एगो मैथिल पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के पार्ट छे, है ना, तो जना हमरो शादी के टाइम में कोहबर बनल रहे, हम देखेबे अहाँ के अभी एगो फोटो में देख सके छी अहाँ की वो कोहबर के फोटो हमर ब्याह वाला में, लोग लिखे छथिन अचल रहे अभिवाद तुम्हारा जैसे गंगा जमुना की धारा, राम सीता के फोटो होइ छै, मोर मोरनी ये वो दिस दैट दिस जीव जंतु बहुत संकेत बना बनवल जाए छै, बढ़िया डेकोरेशन। हमरा टाइम में कोहबर बन लै, हमरा लगले कि अब पता नहीं दीवार पे की लिखलखिन हन की नै, हमरा डर लगे कोहबर घर में जाए में तब कोहबर पर हम एगो चार गो लाइन सुनेबे गीत के। सुनाई सुनाई। हम ना जइबे कोहबर घर हमरा डर लागे ये, हमरा डर लागे ये, हमरा डर लागे ये, हम ना जइबे कोहबर घर हमरा डर लागे ये, आपन महादेव कोहबर में बैसता, आपन महादेव कोहबर में बैसता, विषधर सांप फुफकार मारे ये, शिव के विषधर सांप फुफकार मारे ये, हम ना जेबे कोहबर घर हमरा डर लागे ये। अब जेना ई गाना में कहल गेल छे कि अब शिव पार्वती के विवाह के टाइम के दर्शावल गेल छे कि शिव जी कोहबर घर में बैठल छथिन, अब पार्वती जी के डर लग रहल हन कि शिव जी सांप छे। वर्ल्ड वाइड ई मिथिला पेंटिंग कहला चाहे मधुबनी पेंटिंग कहला कैसे फेमस हो रहल बा? जेना हमरा भारत में देख लियो कि यहाँ शुरुआत भेल छे एकदम हमर रेलवे से, अब रेलवे के हम कितना सारा प्लेटफॉर्म स्टेशन बिहारे ने बिहार के बाहरों वहाँ देखबे कि वहाँ पर देवार सब पर बढ़िया मधुबनी पेंटिंग करवावल गेल छे। अब एकरा सबसे की भेले कि कलाकार सबके काम भी मिल रहे, रेलवे स्टेशन के सबके एगो सौंदर्यीकरण भी भेले, बढ़िया लगले बढ़िया लगले, है ना, अब ई सब भेले, ई तो होले भारत के बाद बढ़िया जे सरकार कैलके। अब एकर से बाहर अमेरिका भेले, लंदन भेले, रूस भेले,
कितना जगह मिथिला पेंटिंग और एकर सबके चीज फैल गेल छै। इंडिया में एगो अथियो स्थापित कैल गेल है, एगो सोसाइटी एकर सबके आर्ट के प्रिजर्व करायल है। विदेश में इतना बढ़िया रिकॉग्निशन, जापान में एगो जगह पर मिथिला पेंटिंग के बजाबते एगो म्यूजियम छै जापान में, अलग से खाली मिथिला पेंटिंग के बढ़िया सा म्यूजियम। कितना बढ़िया बात है कि देश अब हम देश दुनिया सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमर मधुबनी पेंटिंग के। अब जेना हम कहलिए कि लोग एकरा सब पर बहुत काम कर रहे थीं, कुछ बहुत जाने माने लोग रहतीन जेकरा की बढ़िया पुरस्कार सब मिलल छे, पद्मश्री मिलल छे इंडिया में। कुछ नाम हम लेवे जेना सीता देवी, महासुंदरी देवी, जगदम्बा देवी, इस सब में से तो बहुत बढ़िया बढ़िया पुरस्कार पद्मश्री सब लेने छथिन एकदम बढ़िया मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में। ये तो भले भारत सरकार पर, अब धीरे धीरे अब जिना डिजिटलाइजेशन के जमाना आयल है तब मधुबनी पेंटिंग के कुछों पर उतारल जा सके। पहले तो रहे कि पहले पेड़ों पर करे रहती, दीवार पर करे रहती, अब चादरों पर हो जाए, मग पर हो जाए, बैग पर हो जाए, साड़ी दुपट्टा पर हो जाए। जना हम कह रही है बिहार सरकार के इनिशिएटिव BRLPS अहाँ देखबे वेबसाइट, बिहार सरकार वो पार्टनरशिप कैने एगो बढ़िया संस्थान से, जे कि औरत सबके प्रोत्साहन में इन सबके की कहे छे गरीबी उन्मूलन में इस सब तरह के कलाकार के मौका दिया ले मधुबनी पेंटिंग के अब कपड़ा पर उतार के, जना साड़ी पर उतार के, दुपट्टा पर उतार के ओकरा बेच रहे हैं। तहाँ सब व्यूअर सबसे हम अनुरोध करबे कि अहाँ वेबसाइट पर जाके देखबे। हमरा अभी पता चले कुछ दिन पहले हम देख इतना बढ़िया बढ़िया डिजाइन सुंदर साड़ी के शॉल के बढ़िया डिजाइन बहुत बढ़िया डिजाइन अहाँ लिंक पे जाके देखब, एक सामान ऑर्डर करके देखब, इतना बढ़िया दिल खुश। सबसे बड़ा बात कि अहाँ दू गरीब के मदद कर रही है, तो अहाँ के ले के ओकर घर में चूल्हा जलत, ओकरा सपोर्ट कर रही है ना। गरीबी हटाओ खाली सरकार के काम नहीं होय छे, हमरा आर के ओकरा में सपोर्ट करे पड़े छे। और दोसर बात हमरे तरफ के भाषा छे, हमरे तरफ के कला छे, अपन कल्चर जे की विलुप्त हो रहल है ओकरा बचवा के छे, एक बहुत बड़ा मोटिव छे। तो ये रहा मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत सारी जानकारियां आपने दी, और इन्होंने एक शॉप का ऑनलाइन शॉप का नाम भी दिया जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत अच्छा लगा और होपफुली कि हम लोग के लिए भी कुछ उसमें आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। मुझे आज बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला, नया कुछ जानने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एंड वी आर प्राउड टू बी बिहारी, हम बिहारी होने पे गर्व करते हैं। आप बिहार के चाहे किसी भी रीजन से हो, भोजपुरी से हो, अवधी से हो, मगही से हो, मैथिली से हो, हाँ अपनी आइडेंटिटी को हमें बचाए रखना है और हम यही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी कला को, अपनी आइडेंटिटी को और इस सबको बचाए रखने की हम कोशिश कर रहे हैं भारत में रह के भी और भारत से दूर रह के भी। तो धन्यवाद सभी व्यूअर्स लोगों का। जय भोजपुरी, जय मिथिला। जय भोजपुरी, जय मिथिला।